नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन को याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि एक होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारे लक्षण होते हैं, हजारों हजार लक्षण होते हैं और उन्हें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे पास एक बुक है जिसको आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन याद हो जाती है और उस बुक के साथ बगल में एक पिक्चर लगी रहती है उस मेडिसिन की भी। तो आज से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वो बुक पढ़ के ही आपको एक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और सप्ताह में एक वीडियो इस पर ज़रूर लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है वो है नेट्रामयूर और जो बुक का नाम है वो है होम्योपैथिक दवाओं के बोलते चित्र। तो चलिए नेट्रामयूर के बारे में जानते हैं। सूर्योदय के साथ ही सिर दर्द होता है। जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे सिर दर्द होता है और सूर्यास्त के होते ही दर्द खत्म हो जाता है। रोगी को नमकीन चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है, वह किसी भी चीज में अधिक नमक डालकर खाना पसंद करता है। पैर तथा हाथ के जोड़ों में एक्जिमा मतलब चर्म रोग की समस्या होती है। पैर और हाथ के जोड़ में अगर किसी को एक्जिमा होता है तो नेट्रामयूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और रोगिणी मतलब फीमेल पेशेंट अकेले बैठकर रोती है, यदि कोई सहानुभूति जताता है मतलब पास में आके बोलता है कि मत रो तो और रोने लगता है। अगर ऐसे मेंटल सिम्टम्स होते हैं तो नेट्रामयूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अच्छा भोजन करने पर भी रोगी दुर्बल ही होता जाता है, मतलब आप खाना खूब खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन आप पतले होते जा रहे हैं और आपको वीकनेस की भी समस्या है। रोगी देखने में कमज़ोर और दुबला पतला दिखता है। तो अगर आप खाना भी खा रहे हैं लेकिन आप पतले दुबले हैं तो नेट्रामयूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रोगी को यदि जाड़ा लग के बुखार आता है मतलब फीवर आ रहा है, उसके पहले बहुत ज़्यादा चिलीनेस है, कपकपाहट है, ठंडा लग रहा है और इसका समय 10 से 1 बजे होता है, 10 से 1 बजे अगर आता है मोस्टली दोपहर में, तो नेट्रामयूर बहुत ही उत्तम दवा है ऐसा लिखा हुआ है। होठों के दोनों कोने फटे फटे से रहते हैं और घाव सा दिखता है, तो नेट्रामयूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। सर्दी के कारण नाक में पतला पानी जैसा स्राव होता है, ठंडियों में अगर नाक से बिल्कुल पानी पानी जैसा निकले और छींकें आती हैं तो नेट्रामयूर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हिस्टीरिया का रोगी पागल जैसा रहता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा पागलपन का शिकार है, हिस्टीरिया का शिकार है, कभी हंसता है कभी रोता है और या कभी यूं ही बड़बड़ाता है, तो नेट्रामयूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रोगी जब खांसता है तो आँखों में पानी भर जाता है और आँखों से अधिक काम लेने के कारण सिर दर्द होता है, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या मोबाइल में कुछ चीज़ें आप देखते रहते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो अगर मोबाइल आप देखते रहते हैं और आँखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है जिसके कारण सर दर्द हो रहा है, तो नेट्रामयूर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सर दर्द होने से पहले आँखों से कम दिखाई देना और साथ ही साथ कि जिन माताओं के बच्चे दूध पी रहे हों उनके बाल झड़ना भी इसका एक विशेष लक्षण है। दोस्तों, कभी कभी खांसने पर पेशाब निकल आती है। उसके बाद लेखक खुद बोलते हैं कि मैंने टॉन्सिलाइटिस के कई पुराने केस ठीक किए हैं नेट्रामयूर से। उसके लक्षण इस प्रकार हैं, रोगी को टॉन्सिलाइटिस बार बार होता रहता है और वह फूलता है, पचकता है और बुखार आता है, मतलब टॉन्सिल पहले फूल जाते हैं फिर वो ठीक हो जाते हैं, कभी कभी बुखार आ जाता है और बार बार टॉन्सिलाइटिस होता रहता है। तकलीफ 3 या 4 या 6 दिनों तक बनी रहती है और रोगी का खाना पीना या सोना हराम रहता है। इतना ज़्यादा टॉन्सिल है उसको 6-7 दिन तक कि उससे प्रॉब्लम बहुत बनी रहती है, गले में लीलना, खाना और नींद ना आना दर्द के कारण, ये सब प्रॉब्लम रहती है।
तो ये थी नेट्रामयूर इस बुक में लिखी हुई, और उसके बगल में एक पिक्चर है, और पिक्चर क्या बोल रही है, वही बोल रही है जो मैंने पहले बोला कि जो लिप्स हैं उसकी वो किनारे किनारे फटी हुई हैं, लिप्स काफ़ी फटी हुई है, नाक से पानी निकल रहा है, सर दर्द जो है उसे हो रहा है, और सर दर्द उसे सुबह से लेकर शाम तक हो रहा है। दोस्तों ये थी नेट्रामयूर, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी नेट्रामयूर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको नेट्रामयूर बहुत आसानी से समझ में आई हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन देगा तो शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। नीचे मैसेज सेक्शन है तो मैसेज करके बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।